नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है गंगा नदी को लेकर। गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया है। इस समय गंगा नदी दोस्तों बेकाबू हो गई है और भयंकर से अति भयंकर तबाही मच रही है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने और भारी बारिश के चलते हरिद्वार से गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सोमवार को 46,247 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मंगलवार को 47,854 क्यूसेक पानी हरिद्वार बैराज से छोड़ दिया गया है। यह पानी 72 घंटे में यहाँ कछला घाट तक पहुँच जाता है। कछला घाट पर लगे मीटर गेज में सोमवार को जलस्तर 162.30 मीटर नापा गया था। यह मंगलवार को 162.45 मीटर हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। उधर दोस्तों यूपी के प्रयागराज के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहां दोस्तों कई घाट पानी में डूब गए हैं। दोस्तों मौसम विभाग ने भी भारी से अत्यंत भीषण भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़े हुए जलस्तर से पिछले 48 घंटों में सरंग वीरपुर धाम के श्री राम घाट, राजघाट, भैरव घाट, शमशान घाट, गऊ घाट में गंगा नदी दोस्तों उफान पर आ चुकी है। पिछले 48 घंटों में तकरीबन 1.5 मीटर गंगा का जल सरंग वीरपुर धाम के श्री राम घाट पर दोस्तों बढ़ चुका है। सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ियों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्रतिदिन गंगा स्नान किया जा रहा है, लेकिन गंगा के तेजी से बढ़े हुए जलस्तर ने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि कछारी इलाके के दोस्तों लोगों की दिक्कतें बढ़ाना शुरू कर दी है। पिछले 48 घंटे में गंगा के उफान के चलते उथल पुथल मच गई है। शासन द्वारा सरंग वीरपुर धाम में बिछाई गई फ्लोटिंग बैरिकेडिंग को आगे बढ़ा दिया है। मापन करके कमर तक जल के बराबर फ्लोटिंग बैरिकेडिंग पुनः की गई है। हालांकि शासन द्वारा घाट पर जल पुलिस की टीम और सरकारी स्टीमर की भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस समय पहाड़ी इलाकों पर भयंकर से अति भयंकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश चल रही है और अब दोस्तों हरिद्वार से पानी छोड़ दिया गया है, जिसका असर गंगा यमुना के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस समय यूपी बिहार के अंदर भी भयंकर से अति भयंकर बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कटान तेजी से हो रही है। सैकड़ों घर दोस्तों गंगा नदी में समा गए हैं। लोगों ने दोस्तों अपना सामान समेट लिया है और दोस्तों सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अब दोस्तों यूपी के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी से विनती है कि गंगा नदी के आसपास ना जाएं, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वर्तमान में आप हमारी वीडियो किस क्षेत्र से देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कॉमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।